हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रेट अकेडमी प्लस। मैं हूं वेणुगोपाल शर्मा और मैं आपको पढ़ा रहा हूं फ्लूइड मैकेनिक्स। जो लास्ट वीडियोस हैं हमारे, उसमें हमने पाइप फ्लो का जो प्रॉब्लम था, दैट इज हाइगन पॉइसन इक्वेशन, वो पढ़ लिया है। ठीक है, हमने फ्लो बिटवीन टू पैरेलल फिक्स ब्लेड पढ़ लिया है और हमने कॉटी फ्लो पढ़ लिया है। ठीक है, तो आज हम उसको और उस सीरीज को और फर्दर हम लोग लेके चलते हैं। उसके बेस कुछ कॉन्सेप्ट्स और कुछ न्यूमेरिकल्स हम आज देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। सो किसी भी लैमिनार फ्लो इन पाइप के लिए फ्रॉम हाइगन पॉइसन इक्वेशन हम जानते हैं एच एफ, दैट इज हेड लॉस इन फ्रिक्शन, होता है आपका 32 म्यू इंटू वी इंटू एल बाई रो जी डी स्क्वायर, जहां पर जो वी है दैट इज योर मीन वेलोसिटी, मीन वेलोसिटी। ओके, अब अगर मैं चाहूं तो इस एच एफ को, दैट इज हेड लॉस इन फ्रिक्शन को, मैं डिस्चार्ज के टर्म्स में लिख सकता हूं। हम जानते हैं के कंटिन्यू इक्वेशन से लिख सकता हूं मैं क्यू, दैट इज डिस्चार्ज इज इक्वल टू एरिया ऑफ फ्लो इनटू मीन वेलोसिटी। ओके, ए इज एरिया ऑफ फ्लो एंड वी इज द मीन वेलोसिटी, सो मीन वेलोसिटी विल बी इक्वल टू क्यू बाई ए। अब क्योंकि हम यहां पर पाइप्स के साथ डील कर रहे हैं, पाइप्स वो भी सर्कुलर पाइप्स के साथ, सो ये हो जाएगा वी इक्वल टू क्यू अपॉन पाई बाई फोर डी स्क्वायर, वेयर डी इज द डायमीटर ऑफ पाइप। ठीक है, सो वी की इस वैल्यू को अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करता हूं तो मुझे मिल जाएगा एच एफ इन टर्म्स ऑफ डिस्चार्ज। सो एच एफ विल बी इक्वल टू 128 म्यू इंटू क्यू इंटू एल डिवाइडेड बाई गामा इंटू पाई डी रेस्ट टू पावर 4। यहां गामा हम जानते हैं, गामा होता है वेट डेंसिटी, वेट डेंसिटी होता है गामा, दैट इज इक्वल टू रो, दैट इज डेंसिटी इंटू ग्रेविटेशनल एक्सलेशन, ये हमको याद रखना है। ठीक है, सो ये हो गया आपका जो फ्रिक्शनल लॉस है, फ्रिक्शनल हेड लॉस है एच एफ, उसका फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ डिस्चार्ज। ओके, नाउ कुछ कुछ क्वेश्चंस में आपको पूछ सकता है कि व्हाट इज द पावर रिक्वायर्ड, ओके, टू ओवरकम द फ्रिक्शनल लॉस। ओके, सो पावर रिक्वायर्ड, पावर रिक्वायर्ड टू ओवरकम द फ्रिक्शनल लॉस, फ्रिक्शनल लॉस। So, ये होता है P, that is power required to overcome friction is equal to gamma into Q into HF. Gamma है आपकी weight density, ठीक है, Q है discharge और HF है आपका head loss in friction. तो इससे हमको power मिल जाएगा, जितना power आपके flow में होना चाहिए to minimize और to overcome the frictional losses. Okay, so frictional losses को overcome करने के लिए power loss का formula ये रहा। ये तीन formula हमारे important है जो कि हम further numericals में use करते हैं। सो चलिए देखते हैं हम हमारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। क्वेश्चन है, अ लार्ज टैंक शोन इन फिगर हैज अ वर्टिकल पाइप 70 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। द टैंक कंसिस्ट ऑफ एन ऑयल ऑफ विस्कोसिटी 1.5 पॉइस, फाइंड द डिस्चार्ज थ्रू द ट्यूब व्हेन द हाइट ऑफ ऑयल लेवल ऑफ टैंक इज 0.8 मीटर अबव द पाइप इनलेट, नेग्लेक्ट माइनर लॉसेस। ओके, सो क्वेश्चन में हमको डायग्राम गिवन है, जो फिगर है वो गिवन है, फिगर में बोल रहा है, देखिए यहाँ पर जो ये इनलेट है, ठीक है, पाइप का जो इनलेट है उसके ऊपर जो ऑयल का लेवल है दैट इज 80 सेंटीमीटर और वी कैन से 0.8 मीटर्स। जो पाइप की लेंथ है दैट इज 70 सेंटीमीटर और 0.7 मीटर। जो पाइप का डायमीटर है दैट इज 2 सेंटीमीटर। जो ऑयल है उसकी डायनामिक विस्कोसिटी म्यू गिवन है 1.5 पॉइस। ओके, 1.5 पॉइस आपको गिवन है। तो जितने भी गिवन डेटा है वो हम इसको नोट डाउन करेंगे, लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है उसको देखते हैं। ठीक है, जैसे कि हम हमेशा करते हैं, सबसे पहले हमको ये देखना है कि क्वेश्चन ने पूछा क्या है, फिर उसके हिसाब से हम हमारा जो मेथडोलॉजी होगा उसको डिसाइड करेंगे। सो फाइंड द डिस्चार्ज थ्रू द ट्यूब पूछा है, ठीक है, यानी कि जो डिस्चार्ज है क्यू, ये हमको फाइंड आउट करना है, क्यू हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको Q निकालना है, तो Q का फॉर्मूला क्या होगा वो देखेंगे। ठीक है, हमको Q निकालना है, हम जानते हैं इसका फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू A इंटू वी, दैट इज द एरिया ऑफ फ्लो इंटू मीन वेलोसिटी, एरिया ऑफ फ्लो इंटू मीन वेलोसिटी। ओके, अब एरिया फ्लो क्या हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं क्योंकि हमको डायमीटर गिवन है। ठीक है, सो एरिया हो जाएगा आपका पाई बाई फोर डी स्क्वायर। ओके, पाई बाई फोर डी स्क्वायर, यहां से एरिया आ जाएगा। अब जो मीन वेलोसिटी है उसको हमको निकालना
के लिए कैलकुलेशन चाहिए, ठीक है। सो जब v की वैल्यू आ जाएगी तो हमारा यहाँ पर फाइनल आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं पूरा जो कैलकुलेशन है वो कैसे होने वाला है। सो कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं हमारा। तो जैसे कि मैंने बताया, सबसे पहले हम एरिया ऑफ फ्लो निकाल लेते हैं। तो एरिया फ्लो आ रहा है a इज इक्वल टू पाई बाई 4 इंटू 0.02 स्क्वायर। एरिया फ्लो आ गया आपका 3.142 इंटू 10^-4 मीटर स्क्वायर, एरिया फ्लो आ गया। अब हमको निकालना है मीन वेलोसिटी। तो अब देखना है हमको कि क्या कर सकते हैं हम, ठीक है। तो कभी भी ऐसा कोई केस आता है जिसमें आपको हाइट्स गिवन हो, ठीक है, आपको डेंसिटी वगैरह गिवन हो, आपको जो विस्कोसिटी है वो सब गिवन हो, तो किन्हीं दो सेक्शंस के बीच में अगर मुझे वेलोसिटी फाइंड आउट करनी हो किसी एक सेक्शन पर, जैसे कि मुझे सेक्शन ए पे वेलोसिटी मालूम करनी हो या सेक्शन बी पे वेलोसिटी मालूम करनी हो, या फिर मुझे प्रेशर मालूम करना हो, सेक्शन ए पे प्रेशर मालूम करना हो या सेक्शन बी पे प्रेशर मालूम करना हो, इस तरह के केसेस में सबसे कन्वीनियंट तरीका होता है बर्नौलीज इक्वेशन लगाना। तो जब भी ऐसा कोई केस आएगा जब हमको दो सेक्शंस पता होंगे, ठीक है, और किसी एक सेक्शन पर हमको वेलोसिटी नोन होगी, दूसरे पे वेलोसिटी अननोन होगी, और डायरेक्टली डिस्चार्ज का जो फॉर्मूला है दैट इज q इज इक्वल टू a इनटू v, ये इंप्लीमेंट करके हम वेलोसिटी नहीं निकाल सकते हैं। ऐसी कोई सिचुएशन अगर हमारे पास बन रही है, इन दैट सिचुएशन सबसे कन्वीनियंट मेथड है बर्नौलीज इक्वेशन। उस कंडीशन पे हम बर्नौलीज इक्वेशन इंप्लीमेंट करेंगे और वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब यहां पर जो हमको फ्लूड है उसकी विस्कोसिटी गिवन है, विस्कोसिटी गिवन होने से ये चीज क्लियर हो जाती है कि ये जो फ्लूड है दैट इज अ रियल फ्लूड, ओके, इसमें विस्कस फोर्स होगा। अब क्योंकि इसमें विस्कस फोर्स होगा, तो मैंने आपको जो बर्नौलीज इक्वेशन पढ़ाया था, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके वीडियो देख सकते हैं, मैंने उससे पढ़ाया है विस्कस बर्नौलीज इक्वेशन फॉर अ रियल फ्लूड, ओके, रियल फ्लूड में विस्कोसिटी होती है। सो क्योंकि इसमें विस्कोसिटी है दैट्स वाई हम लोग जो बर्नौलीज इक्वेशन यूज करेंगे वो होगा फॉर रियल फ्लूड्स। अब मैं लिखता हूं सबसे बर्नौलीज इक्वेशन, बर्नौलीज इक्वेशन होगा रियल फ्लूड के लिए। जैसे यहाँ दो सेक्शन है ए और बी, सो सबसे पहले बर्नौलीज इक्वेशन लगाने से पहले मुझे एक रिफरेंस लेवल या डाटम लेवल आपको कंसिडर करना पड़ेगा। तो इस केस में मुझे अलग से कोई डाटम नहीं दिया है, तो मैं किसी एक सेक्शन को अपना रिफरेंस लेवल मान सकता हूँ, ठीक है। सो लेट अस से हमने इसको डाटम मान लिया, ठीक है, सेक्शन बी को हमने डाटम मान लिया। अब यहाँ से सारी जो हाइट्स हैं उनको हम मेजर करेंगे, ठीक। सो बर्नौलीज इक्वेशन हो जाएगा पी ए बाई रो जी प्लस वी ए स्क्वायर बाई 2g प्लस जेड ए इक्वल टू पी बी बाई रो जी प्लस वी बी स्क्वायर बाई 2g प्लस जेड बी। अब क्योंकि ये रियल फ्लूड है तो डेफिनेटली इसमें फ्रिक्शनल लॉसेस होंगे, हमको जो डायनेमिक विस्कोसिटी होगी वन है, सो जो भी लॉसेस होंगे उसको हम लोग राइट हैंड साइड में ऐड करते हैं, आउटलेट साइड में ऐड करते हैं, तो दिस इज प्लस HF, HF क्या बता रहा है आपका, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, ठीक है। अब आई थिंक आपको पिक्चर क्लियर हो रही होगी कि हमको क्या क्या करना है। तो जब भी कोई ऐसा केस आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको वेलोसिटी वगैरह फाइंड आउट करने के लिए, अगर हमारा डिस्चार्ज के फॉर्मूले से काम नहीं चल रहा है तो हम वहाँ बर्नौलीज इक्वेशन इंप्लीमेंट करेंगे। जब रियल फ्लूड रहेगा तो हमको ध्यान रखना है कि वहाँ पर हमको जो फ्रिक्शनल हेड है उसको आउटलेट साइड में, जो डिस्चार्ज साइड है वहां ऐड करना है, जो ठीक है, दैट इज हमारा जो इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर क्वेश्चन में साइड बी हमारा आउटलेट साइड है, उधर मैंने लॉस को ऐड कर दिया। दूसरी बात, अब यहां पर जो HF है उसका फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, अभी हम लोग आज की वीडियो में देखने वाले हैं या नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि HF के दो फॉर्मूले हम देखेंगे। अभी हमने एक हैगन पॉइसन इक्वेशन देखा है, ठीक है, आगे हम डार्सी विजबैक इक्वेशन भी देखेंगे, ठीक। सो जो HF है वो हैगन पॉइसन इक्वेशन से निकालेंगे हम अगर फ्लो लैमिनार है, ठीक है। जो डार्सी विजबैक इक्वेशन है उसको आप लैमिनार फ्लो एज वेल एज टर्बुलेंट फ्लो दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, वो डेरिवेशन हम आज देखेंगे, ठीक है। सो HF की वैल्यू वहां से आएगी, ठीक है। अब यहां पर हमको सबसे पहले देखना है कि प्रेशर्स की वैल्यू क्या क्या होगी। अब प्रेशर्स के लिए कुछ कॉन्सेप्ट्स को हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये है फ्री सरफेस, ये सरफेस है आपका फ्री सरफेस। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा स्केल लेना चाहते हो, आप एब्सोल्यूट स्केल लेना चाहते हो, आप गेज प्रेशर स्केल लेना चाहते हो, उस पर अब आपका कैलकुलेशन डिपेंड करेगा, ठीक है। अब अगर मैं एब्सोल्यूट प्रेशर स्केल की बात करूं, ठीक है, एब्सोल्यूट प्रेशर की बात करूं, तो उस केस में यहां पर जो सरफेस पे जो प्रेशर एक्ट कर रहा है दैट इज द एटमोस्फेरिक प्रेशर, एटमोस्फेरिक प्रेशर यहां पर एक्ट कर रहा है, ठीक है। सिमिलरली जब यहां से पाइप से जब फ्लूड बाहर चला जाएगा, जो ऑयल है वो बाहर चल जाएगा, तो उस वो होगा आपके एटमोस्फियर के कांटेक्ट में,
एटमोस्फेयर पे कांटेक्ट में जैसे ही वो आएगा उस पर भी लगने वाला जो प्रेशर होगा दैट विल बी इक्वल टू एटमोस्फेरिक प्रेशर। तो यहां पर भी जो यानी कि पीबी पर भी जो प्रेशर होगा दैट इज ऑल्सो एटमोस्फेरिक प्रेशर एंड जो सरफेस ए पे यानी पी ए पे की जो वैल्यू है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू एटमोस्फेरिक प्रेशर। सो पी ए एंड पी बी बोथ आर इक्वल टू द एटमोस्फेरिक प्रेशर। सो यहां से मैं लिख सकता हूं पी ए इक्वल टू पी बी इक्वल टू पी ए टी एम, दोनों सेम हो गए तो ये दोनों टर्म्स यहां से एलिमिनेट हो गए। दूसरा, ये फ्री सरफेस है ठीक है टैंक, और ये टैंक का हमको साइज नहीं गिवन है ठीक है, इस टैंक का हमको साइज नहीं गिवन है, तो यहीं पर सबसे पहला हमारा जो रिस्ट्रिक्शन है वो आ जाता है। सोचिए अगर हमको यहाँ पर इसका साइज दिया होता, यानी कि टैंक सपोज सिलेंड्रिकल टैंक दिया होता या रेक्टेंगुलर टैंक दिया होता और उसका डायमेंशन हमको गिवन होता, सो उस केस में हम यहाँ पर डिस्चार्ज का जो इक्वेशन होता है कंटेंट इक्वेशन जो होता है उसको इम्प्लीमेंट कर सकते थे। सो यहाँ पर साइज नहीं गिवन है, डायमेंशन नहीं गिवन है, तो वो नहीं हो रहा है इम्प्लीमेंट ठीक है। सो अब हम ये मान लेंगे कि इसका साइज इनफाइनाइट है, हमको नहीं पता कि इसका साइज क्या है, तो हम ये अज्यूम करते हैं कभी भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय कि जब किसी वेसल का, इस वेसल का जो जहां से हमको सप्लाई आ रही जो इनलेट वेसल है ठीक है, उसका जब डायमेंशन नहीं गिवन होगा, उसका जब डायमीटर वगैरह या उसके जो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ फ्लो है जब वो नहीं गिवन होगा, उस केस में हम उसको इनफाइनाइट लेंगे ठीक है। अब ऐसा नहीं से ये होगा कि अगर ये इनफाइनाइट है या ये वेरी लार्ज है बोलूं तो ये जो सरफेस होगा वो बहुत ही स्लो रेट से नीचे आएगा, यानी कि बोल सकता हूं कि वेलोसिटी एट सेक्शन ए वी ए विल बी टेंडिंग टुवर्ड जीरो, तो हम इसको ले लेंगे वी ए इक्वल टू जीरो ठीक है, ये इसका कॉन्सेप्ट है ठीक है। इसको इसीलिए जीरो लिया जाता है क्योंकि हम ये मान ली कि सरफेस बहुत बड़ा है और ये जो पाइप है जहां से डिस्चार्ज हो रहा है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत कम है, और ऐसा होने के कारण जो लेवल डिक्रीज होगा जिस स्पीड से सरफेस ए नीचे जाएगा वो स्पीड बहुत ही कम होगी, दैट्स वाई हमने ले लिया वी ए स्टैंडिंग टूवर्ड जीरो या फिर वी ए इक्वल टू मैं जीरो ले लेता हूं, तो वी ए आ गया जीरो ठीक है, VA हमने ले लिया जीरो ठीक फॉर वेरी लार्ज वेसल ओके। नाउ ZA की वैल्यू देखते हैं, ये हमारा रेफरेंस लेवल है, रेफरेंस लेवल से सरफेस A की जो हाइट है जो एल्टीट्यूड है दैट विल बी ZA, तो ZA हो जाएगा आपका 0.8 + 0.7 दैट इज 1.5 मीटर ओके। सो ZA हो गया 1.5 मीटर ठीक। जो पॉइंट B है वो खुद डॉटम लेवल है, दैट्स वाई जो ZB हो जाएगा दैट विल बी जीरो। सो सारी वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं, अब इससे हमको ये जो HF है इसकी वैल्यू मिल जाएगी। हाँ, इस इक्वेशन में हमको VB नहीं पता है, ठीक है, तो जो HF आएगा दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ VB, दैट इज वेलोसिटी एट सेक्शन नंबर B। सो बर्नौली इक्वेशन को हम जितनी भी वैल्यूज हमने फाइंड आउट करी उससे सॉल्व करते हैं। सो HF आएगा HF इक्वल टू ZA माइनस ZB माइनस VB स्क्वायर बाई 2G। ZA माइनस ZB जैसे मैंने निकाल लिया है, ZA इज इक्वल टू 1.5 और जो ZB है दैट इज नथिंग बट जीरो ठीक है। सो यहां से इक्वेशन मिल रहा है मुझे HF इक्वल टू 1.5 माइनस VB स्क्वायर बाई 2G, लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो हमको HF दैट इज हेड लॉस इन फ्रिक्शन मिल गया हमको ठीक है। अब ये जो हेड लॉस हो रहा है इसमें देखिए क्वेश्चन में बात किया है नेगलेक्ट द माइनर लॉसेस, क्वेश्चन ने बोला नेगलेक्ट द माइनर लॉसेस। हम लोग जब आगे भी प्रोसीड करेंगे इस मॉड्यूल में तो हम देखेंगे कि पाइप्स में जो भी फ्लो होता है ठीक है उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लॉसेस होते हैं। फर्स्ट कैटेगरी इज मेजर लॉसेस दैट इज दी हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, और उसके बाद माइनर लॉसेस आएंगे दैट इज सडन कॉन्ट्रैक्शन, सडन एक्सपांशन, पाइप बैंड, इसके कारण जो लॉसेस होते हैं दैट इज माइनर लॉसेस ठीक है। तो यहां पर देखा जाए तो बेसिकली एक लार्ज वेसल से हम बहुत ही शॉर्ट पैसेज की तरफ जा रहे हैं, तो ये सडन कॉन्ट्रैक्शन का केस हो रहा है ठीक है। सो यहां पर बोल रहा है कि नेगलेक्ट करना है हमको माइनर लॉसेस पे, यानी कि जो लॉस ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन होगा उसको हम नेगलेक्ट करेंगे ठीक है। सो यहां पर सिर्फ एक लॉस बच जाएगा दैट इज द हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। सो HF विल बिकम हेड लॉस ड्यू टू पाइप फ्रिक्शन ठीक है, पाइप फ्रिक्शन। अब अभी हमारे पास ऐसा कोई डेटा नहीं है जिससे हम बता सके कि ये लैमिनार फ्लो है या टर्बुलेंट फ्लो है ठीक है। सो फॉर इनिशियल कैलकुलेशन हम ये मान लेते हैं कि फ्लो जो है वो लैमिनार है ठीक है। सो एज्यूमिंग लैमिनार फ्लो
हम यहां पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं जो हैगन पॉजली इक्वेशन है वो, दैट इज एच एफ विल बी इक्वल टू 32 म्यू इंटू वी बी इंटू एल बाई रो जी डी स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन हो जाएगा। तो डायरेक्टली ये जो एच एफ है दैट इज द हेड लॉस विल बी इक्वल टू हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। सो लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से मैं लिख सकता हूं 1.5 माइनस वी बी स्क्वायर बाई 2g इज इक्वल टू 32 म्यू इंटू वी बी इंटू एल डिवाइडेड बाई रो इंटू जी इंटू डी स्क्वायर। एल जो है दैट इज लेंथ ऑफ पाइप। ठीक है, लेंथ ऑफ पाइप, तो पाइप की जो लेंथ है एल दैट इज 0.7 meters। ठीक है, डायमीटर जो है आपका डी दैट इज 2 centimeters यानी कि 0.02 meters। ओके, रो दैट इज द डेंसिटी ऑफ ऑयल, डेंसिटी ऑफ ऑयल हमको गिवन है 920 kg per meter cube। ये हो जाएगा 920 kg per meter cube। ओके, तो सारी वैल्यूज हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। हाँ, और डायनेमिक विस्कोसिटी हमको गिवन है 1.5 poise, तो इसको हमको ऐसे ही रूट में लाना पड़ेगा। तो 1.5 हो जाएगा 1.5 डिवाइडेड बाई 10 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, या फिर इसको हम पास्कल्स सेकेंड भी बोलते हैं। तो हो जाएगा 0.15 pascal second। सारी वैल्यूज आ गई, उसी क्वेश्चन हम पुट करते हैं और वी बी की वैल्यू निकालते हैं। सो इसको सॉल्व करने पे वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास सेक्शन बी पे वेलोसिटी आ रही है वी बी इक्वल टू 1.49 meters per second। अब हमको क्वेश्चन ने पूछा था डिस्चार्ज। ठीक है, डिस्चार्ज पूछा है, हम जानते हैं डिस्चार्ज क्यू इज इक्वल टू होता है एरिया ऑफ फ्लो इंटू वेलोसिटी। एरिया फ्लो जाएगा पाई बाई 4 डी स्क्वायर, डी की वैल्यू 0.02 स्क्वायर इंटू वेलोसिटी दैट इज 1.49। तो यहाँ से आ रहा है क्यू इक्वल टू 4.681 × 10⁻⁴ m³/s। ओके, सो दिस इज द रिक्वायर्ड डिस्चार्ज। इसको मैं लीटर पर मिनट्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ। इसको लीटर पर मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मीटर क्यूब को, तो वो लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसको पर मिनट में लाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेगा करना पड़ेगा। तो बेसिकली मैं 60,000 से अगर मल्टीप्लाई कर दूँ, अगर इसको इस आंसर को अगर मैं 60,000 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये आ जाएगा लीटर पर मिनट में। ठीक है, सो मैं इसको 60,000 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आंसर आ रहा है 28.085 liters पर मिनट। सो दिस इज द डिस्चार्ज इन लीटर्स पर मिनट। आई होप आपको जो प्रोसीजर है कभी भी वो क्लियर हो गया है और आने वाले किसी भी क्वेश्चन को आप अच्छे से डील कर पाएंगे। सो हमने जो पैरेलल प्लेट्स के बीच जो फ्लो का सिचुएशन देखा था उसमें जो जो हमने फॉर्मुलेस देखे थे वो फॉर्मुले मैंने यहाँ पर लिस्ट आउट कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो आप जाकर के देखिए ताकि आपको जो पूरे कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो हमने देखा था जब दो पैरेलल फिक्स प्लेट के बीच जब फ्लो होता है तो जो वेलोसिटी प्रोफाइल बनती है दैट इज पैराबोलिक। वेलोसिटी प्रोफाइल जो बनती है दैट इज पैराबोलिक। एंड जो शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन बनता है वो होता है लीनियर। ठीक है, ये है लीनियर शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो जो वेलोसिटी प्रोफाइल था उसके लिए वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन मुझे मिला था यू इज इक्वल टू 1/2 mu डेल पी बाई डेल एक्स इंटू वाई स्क्वायर माइनस टी इंटू वाई। जो टी है दैट इज द गैप बिटवीन द प्लेट, और वाई जो है दैट इज द डिस्टेंस ऑफ एनी प्लेन मेजर्ड परपेंडिकुलर टू द सॉलिड बाउंड्री। ठीक है, सॉलिड बाउंड्री जो ये है उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नापी गई डिस्टेंस है वाई। ठीक है, टाउ दैट इज शेयर स्ट्रेस मुझे मिला था, शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन मिला था टाउ इज इक्वल टू 1/2 डेल पी बाई डेल एक्स इंटू टी माइनस 2y। ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, उसके बाद हमको मिला था जो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, ये जो आपको पैराबोलिक कर्व मिला है इसका जो पीक पॉइंट है यहाँ पर हमको मिलेगा दैट इज मैक्सिमम वेलोसिटी। मैक्सिमम वेलोसिटी मुझे मिलती है y इक्वल टू टी बाई 2 पर। ठीक है, मैक्सिमम वेलोसिटी मुझे मिलती है y इक्वल टू टी बाई 2 पे। तो ये जो इक्वेशन था इसमें y इक्वल टू अगर टी बाई 2 में पुट कर दूंगा तो मुझे यू मैक्स मिल जाएगा। सो यू मैक्स और यू मीन दैट इज डिस्चार्ज अपॉन एरिया ऑफ फ्लो, ये मिलता है आपको यू मीन, या जिसको सिंपली मैं वी से डिनोट करता हूँ। ठीक है, सो यू मैक्स बाई यू मीन होता है 3/2 दैट इज 1.5। ये रेशियो बहुत मुझे याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो डिस्चार्ज होती है उसकी वैल्यू आई थी क्यू इज इक्वल टू 1/12 mu डेल पी बाई डेल एक्स इंटू टी क्यूब। ठीक है, ये डिस्चार्ज का इक्वेशन मिला था मुझे। और फिर हेड लॉस,
ठीक है, अगर मैंने ये माना कि ये जो पैरेलल प्लेट्स हैं ये इसकी लेंथ एल लेंथ तक ये फैले हुए हैं, सो एल लेंथ में होने वाला हेड लॉस दैट इज एच एफ हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन वॉज 12 म्यू इंटू वी इंटू एल बाई रो जी टी स्क्वायर, सो दिस वॉज दी हेड लॉस इन द फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन पैरेलल फिक्स प्लेट्स। ठीक है, अब देखते हैं हम हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोल रहा है ऑयल ऑफ रिलेटिव डेंसिटी 0.92, रिलेटिव डेंसिटी यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, सो ऑयल ऑफ रिलेटिव डेंसिटी 0.92 एंड डायनेमिक विस्कोसिटी 1.0 पॉइस फ्लोस बिटवीन टू फिक्स पैरेलल प्लेट्स कैप 1.2 सेंटीमीटर्स अपार्ट, दोनों प्लेट्स के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज 1.2 सेंटीमीटर्स। इफ मीन वेलोसिटी दैट इज यू मीन आपको गिवन है 1.4 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द मैक्सिमम वेलोसिटी, द बाउंड्री शेयर स्ट्रेस, वेलोसिटी एट वेलोसिटी एंड शेयर स्ट्रेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.2 सेंटीमीटर फ्रॉम द प्लेट्स, हेड लॉस इन अ डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर्स। ठीक है, तो जो भी हमको पूछा है मैक्सिमम वेलोसिटी हमको इस रिलेशन से मिल जाएगा। ठीक है, बाउंड्री शेयर स्ट्रेस यानी कि शेयर स्ट्रेस एट वॉल जिसको हम बोलते हैं टाउ नॉट, टाउ नॉट कैसे निकलेगा, टाउ नॉट निकालने के लिए आप यहां पर y इक्वल टू जीरो पुट करोगे। ठीक है, शेयर स्ट्रेस का जो इक्वेशन है हमारे पास उसमें हमने डेरिवेशन में भी ये चीज हमने की हुई है, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस निकालने के लिए हम y इक्वल टू जीरो पुट कर देते हैं, तो यहां से टाउ नॉट दैट इज शेयर स्ट्रेस एट वॉल आया था -1/2 डेल पी बाई डेल एक्स इंटू टी। ठीक है, ये होता है आपका टाउ नॉट दैट इज वॉल शेयर स्ट्रेस, सो बाउंड्री शेयर स्ट्रेस इज नथिंग बट दी वॉल शेयर स्ट्रेस। ओके, तो चलिए देखते हैं अब इसका कैलकुलेशन। सो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है म्यू दैट इज डायनेमिक विस्कोसिटी इज 1.05 पॉइस, इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में, सो म्यू है आपका 0.105 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर और पास्कल सेकंड भी इसको कह सकते हैं। जो गैप बिटवीन प्लेट्स है वो क्वेश्चन में गिवन है 1.2 सेंटीमीटर, सो 1.2 सेंटर गैप इसको मैं मीटर कन्वर्ट करूंगा हो जाएगा 0.012 मीटर्स। ओके, एवरेज या मीन वेलोसिटी क्वेश्चन में गिवन है आपको 1.4 मीटर्स पर सेकंड और रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ऑयल दैट इज 0.92। हम जानते हैं रिलेटिव डेंसिटी होता है आपका डेंसिटी ऑफ फ्लूड, डेंसिटी ऑफ फ्लूड अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूड। ओके, अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूड, सो यहां से आपको डेंसिटी ऑफ ऑयल मिल जाएगा आर डी इंटू, जो स्टैंडर्ड फ्लूड होता है हम जानते हैं वो वाटर होता है और उसकी डेंसिटी होती है 1000, सो हो जाएगा 0.92 इंटू 1000 दैट इज 920 केजी पर मीटर क्यूब, तो ये आपको ऑयल की डेंसिटी भी मिल गई। ठीक है, सो सबसे पहले क्वेश्चन ने पूछा है हमको मैक्सिमम वेलोसिटी दैट इज यू मैक्स हमको पूछा है। ठीक है, सो यू मैक्स के लिए हम जानते हैं कि फॉर टू पैरेलल फिक्स प्लेट्स, ठीक है, यू मैक्स बाय यू मीन होता है आपका 1.5, तो यहां से डायरेक्टली आ जाएगा यू मैक्स इक्वल टू 1.5 इंटू यू मीन, और यू मीन की जगह मैं चाहूं तो वी भी लिख सकता हूं, ओके 1.5 इंटू वी भी लिख सकता हूं, तो ये हो जाएगा 1.5 इंटू 1.4, सो दैट कम्स आउट टू बी यू मैक्स इक्वल टू 2.1 मीटर पर सेकेंड, सो दिस इज दी मैक्सिमम वेलोसिटी। ओके, मैक्सिमम वेलोसिटी आ गया। अब सेकेंड पूछा है आपको बाउंड्री शेयर स्ट्रेस या फिर वॉल शेयर स्ट्रेस। मैंने बताया है आपको यहाँ पर हमने फॉर्मूले जो लिस्ट किए हैं उसमें हमने देख लिया है कि वॉल शेयर स्ट्रेस होता है आपका टाउ नॉट इज इक्वल टू -1/2 डेल पी बाय डेल एक्स इंटू टी। अब यहाँ डेल पी बाय डेल एक्स जो होता है दैट इज नोन एज दी प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक है, प्रेशर ग्रेडियंट हमको क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं गिवन है, तो ये प्रॉब्लम आपको गेट के एग्जाम्स में भी आएगी कि आपको प्रेशर ग्रेडियंट नहीं दिया रहेगा। ठीक है, प्रेशर ग्रेडियंट हम किसी दूसरे टर्म या किसी दूसरी नॉन वैल्यू के फॉर्मूले से हम कभी भी कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर देख सकता हूँ मेरे पास टाऊ की वैल्यू, टाऊ का इक्वेशन है, यहाँ पर यू का इक्वेशन है मेरे पास, और यहाँ पर डिस्चार्ज क्यू का इक्वेशन है। ठीक है, सभी में देख सकता हूँ डेल पी बाय डेल एक्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन में अगर कोई भी एक वैल्यू अगर आपको डायरेक्टली गिवन है, सो इन दैट केस आप उस फॉर्मूले से निकाल सकते हो अपना प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक है, सो अब शेयर स्ट्रेस एट बाउंड्री यानी कि जो वॉल शेयर स्ट्रेस है उसकी वैल्यू निकालने के लिए हमको डेल पी बाय डेल एक्स जैसे कि मैंने बताया किसी भी नोन टर्म से दैट इज यू टाउ नॉट और आपको Q यानी कि डिस्चार्ज इससे हमको वैल्यू मिलती है। इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो नोन वैल्यू है दैट इज वेलोसिटी। ठीक है, दो वेलोसिटीज हमको पता है, वन इज U max एंड सेकेंड इज U mean। ठीक है, U mean। अब मैं जानता हूं
के जो जो प्लेट पैरेलल प्लेट के केस में y इक्वल टू t बाय 2 यानी कि मिड प्लेन पे जो होती है वेलोसिटी वो मैक्सिमम होती है. सो y इक्वल टू t बाय 2 पे u इक्वल टू u मैक्स होता है और वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन मुझे मालूम है. सो मैं वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखता हूँ u इक्वल टू 1 बाय 2 म्यू डेल p बाय डेल x इंटू y स्क्वायर माइनस t इंटू y. इस इक्वेशन में अगर मैं y इक्वल टू t बाई 2 पुट कर दूंगा तो u मुझे मिल जाएगा u मैक्सिमम. ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पे आता है u मैक्सिमम इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 8 म्यू डेल p बाई डेल x इंटू टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर. ठीक है, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ u मैक्सिमम. अब u मैक्सिमम का जो वैल्यू है वो हमको नोन है, दैट इज 2.1. ठीक है, 2.1 मुझे नोन है. सो इस इक्वेशन को सॉल्व करने से मुझे डेल पी बाई डेल एक्स की वैल्यू मिल जाएगी. सो 1. दैट इज 2.1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन 8 इंटू म्यू दैट इज 0.105 इंटू डेल पी बाई डेल एक्स इंटू टी स्क्वायर दैट इज 0.012 स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ से माइनस डेल पी बाई डेल एक्स आ रहा है 12250 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर मीटर. यहाँ पर याद रखना है जो प्रेशर ग्रेडियंट होता है दैट इज द चेंज इन प्रेशर अलोंग द एक्स डायरेक्शन. ठीक है, दिस इज द चेंज इन प्रेशर अलोंग द एक्स डायरेक्शन. सो इसका यूनिट आएगा पास्कल पर मीटर पर मीटर. ठीक है, या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर मीटर, ये इसकी यूनिट होगी. कुछ कुछ जगह आपको न्यूटन पर मीटर क्यूब भी लिखा हुआ मिलेगा बट ये ज़्यादा कन्वीनियंट तरीका है इसको लिखने का. ठीक है, सो हमारे पास डेल पी बाई डेल एक्स यहाँ से आ गया. सो मैं अब निकालता हूँ वॉल शियर स्ट्रेस टाउ नॉट, ये हो जाएगा 1/2 माइनस डेल पी बाई डेल एक्स आ गया 12250 इंटू टी है आपका 0.012. तो यहाँ से टाउ नॉट आ रहा है आपका. सो हमारे पास जो शेयर स्ट्रेस है एट वॉल वो आ रहा है टाउ नॉट इज इक्वल टू 73.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल्स. ठीक है, सो दिस इज योर आंसर. अब हमको क्वेश्चन ने पूछा है वेलोसिटी एंड शेयर स्ट्रेस एट वाई इज इक्वल टू 0.2 सेंटीमीटर्स. ठीक है, दैट इज 0.002 मीटर्स. तो किसी भी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे वॉल से किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जब आपको वेलोसिटी या शेयर स्ट्रेस पूछता है तो सिंपल है उसको निकालना. उस केस में हम लोग जो हमारे पास वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है और शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है वो हम यूज करेंगे. ठीक है, यहां मैंने आपको पहले ही बताया जो y होता है दैट इज द डिस्टेंस मेजर फ्रॉम द सॉलिड वॉल. ठीक है, इस केस में हमको बोला है कि 0.2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे हमको 0.2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे हमको शेयर स्ट्रेस एंड वेलोसिटी निकालनी है. सो y की वैल्यू अगर मैं वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के इक्वेशन में 0.002 मीटर्स पुट कर दूं तो मुझे उस पर्टिकुलर लोकेशन पे वेलोसिटी मिल जाएगी. सिमिलरली अगर मैं शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज माइनस 1/2 डेल पी बाय डेल एक्स इंटू टी माइनस 2y, यहाँ y की जगह अगर मैं 0.002 मीटर्स पुट कर दूं तो मुझे यहाँ पर शेयर स्ट्रेस की वैल्यू मिल जाएगी. वेलोसिटी एट y इज इक्वल टू 0.002 मीटर्स आ रहा है निकालने के लिए मैंने जो भी हमारे पास वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का इक्वेशन है. ठीक है, इस इक्वेशन में मैंने y इक्वल टू 0.002 पुट किया तो सॉल्व करने पे मुझे मिल रहा है वेलोसिटी की वैल्यू 1.167 मीटर पर सेकेंड. ओके, सो दिस इज वेलोसिटी एट 0.2 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम द वॉल. सिमिलरली शेयर स्ट्रेस निकालने के लिए जो शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है उसमें मैंने y इक्वल टू 0.002 पुट किया तो मुझे टाउ नॉट टाउ मिल रहा है 49 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और 49 पास्कल्स. ठीक है, सो दिस इज योर आंसर. नाउ फाइनली क्वेश्चन ने पूछ रहा है हेड लॉस इन अ डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर. ठीक है, तो चलिए देखते हैं हेड लॉस. सो हेड लॉस फॉर फ्लो बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स का फॉर्मूला मैंने बताया आपको, एच एफ इक्वल टू होता है 12 म्यू इंटू यू इंटू एल डिवाइड बाय रो जी टी स्क्वायर, जहां जो वी है दैट इज द मीन वेलोसिटी ऑफ द फ्लो जो कि हमको क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 1.4. तो सारी वैल्यूज हमको नोन है. सो हेड लॉस फॉर अ लेंथ ऑफ 25 मीटर्स यानी कि जो प्लेट की लंबाई है जिसमें फ्लो हो रहा है दैट इज 25 मीटर. सो एल इक्वल टू 25 मीटर के लिए मैं हेड लॉस निकालता हूँ, सारी वैल्यूज पुट करता हूँ तो मुझे मिलता है हेड लॉस इक्वल टू 33.93 मीटर. सो दिस इज योर हेड लॉस बिटवीन दी टू पैरेलल प्लेट्स.
सो अब देखते हैं हम कॉटी फ्लो पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल, उस न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि कॉटी फ्लो क्या था, उसको एक थोड़ा सा उसका ब्रीफ हम लोग रिविजन कर लेते हैं, ठीक है। कॉटी फ्लो में क्या होता है, कॉटी फ्लो में एक सरफेस जो होता है वो फिक्स होता है और दूसरा सरफेस मूविंग होता है। ये एक स्पेशल केस है, और वो जो हमने टू पैरेलल फिक्स प्लेट का जो केस देखा था उसमें अगर कोई एक प्लेट मूव करने लग जाए तो मैंने बताया था फिर जो हमको फ्लो मिलेगा दैट विल बी नोन एज कॉटी फ्लो, ठीक है। सो कॉटी फ्लो में क्या क्या होता है, कॉटी फ्लो में फर्स्ट ऑफ ऑल जो फ्लो होता है वो स्टडी होता है, ठीक है, स्टडी फ्लो होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है, इनकम्प्रेसिबल की रो कांस्टेंट होता है, और वन प्लेट फिक्स होती है, वन प्लेट फिक्स एंड अदर प्लेट मूव करती है, अदर प्लेट इज मूविंग, है ना। ये बेसिकली वही assumptions फॉलो करता है जो टू पैरेलल फिक्स प्लेट वाला केस फॉलो करता है, ठीक है, दोनों में कोई assumptions में कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पर हमको जो velocity प्रोफाइल मिलती है फॉर अ कॉटी फ्लो दैट इज u इज इक्वल टू v इंटू वाई बाई टी, जहाँ जो v है, दिस v इज द velocity ऑफ मूविंग प्लेट, ठीक है, v जो है velocity ऑफ मूविंग प्लेट है। सो u velocity distribution जो हमको मिलेगा दैट इज इक्वल टू v इंटू वाई बाई टी प्लस वाई टी बाई टू म्यू इंटू डेल पी बाई डेल एक्स इंटू वाई बाई टी माइनस वन, ये हमको velocity distribution का इक्वेशन मिला था, ठीक है। अब हमने इसमें लास्ट वीडियो में केस देखा था दैट इज अ प्लेन और सिंपल कॉटी फ्लो, प्लेन और सिंपल कॉटी फ्लो। सिंपल कॉटी फ्लो में क्या हुआ था, मैंने बताया था कि सिंपल कॉटी फ्लो में जो डेल पी बाई डेल एक्स है प्रेशर ग्रेडियंट वो जीरो हो जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पर प्रेशर ग्रेडियंट डेल पी बाई डेल एक्स जीरो हो जाए यानी कि एक्स के अलावा प्रेशर चेंज नहीं हो, प्रेशर कांस्टेंट हो इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो, सो उस केस में क्या होगा, ये वाला जो पूरा टर्म है वो जीरो हो जाएगा और यू मिलेगा मुझे वी इंटू वाई बाय टी, ठीक है, वी इंटू वाई बाय टी मुझे मिलेगा यू का वैल्यू। सो यहां से अगर मैं निकालना चाहूं शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, सो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी से, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी से मैं जानता हूं टाउ इक्वल टू होता है म्यू डी यू बाई डी वाई, तो यहां से आ जाएगा टाउ इक्वल टू म्यू यू दैट इज डी यू बाई डी वाई, तो यू का वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन मिलेगा मुझे वी बाई टी, ठीक है। तो ये मैंने लास्ट जो लेक्चर है उसमें ये टॉपिक में कवर कराया था, ठीक है। यहाँ पर जो एजम्पशंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कॉटी फ्लो का जो एजम्पशन है वो गेट 2015 में पूछा था, ठीक है, तो हमको याद रखना है इसके जो एजम्पशन है दैट इज फ्लो इज स्टडी इनकम्प्रेसिबल एंड वन प्लेट इज फिक्स अदर प्लेट इज मूविंग, ठीक है। सो ये सारे इसमें पॉइंट्स हैं, कभी भी याद रखना जब भी प्लेन कॉटी फ्लो बोलेगा तो क्वेश्चन में मेंशन हो चाहे ना हो, प्लेन कॉटी फ्लो के लिए हमको याद रखना है डेल पी बाय डेल एक्स इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन गेट 2014 में आया था, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, सेट 1 में आया था, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन बोल रहा है इन अ सिंपल कॉन्सेंट्रिक बेरिंग शाफ्ट अरेंजमेंट द ल्यूब्रिकेंट फ्लोज इन 2 mm गैप, फ्लो मे बी एज्यूम टू बी अ प्लेन कॉटी फ्लो विथ जीरो प्रेशर ग्रेडियंट। यहाँ पर आपको बता दिया है कि प्रेशर ग्रेडियंट जीरो है, डेट इज डेल पी बाई डेल एक्स जीरो है, बता दिया है। यहाँ अगर नहीं भी बताता सिर्फ इतना बोलता कि प्लेन कॉटी फ्लो है तब भी हमको मालूम होना चाहिए कि डेल पी बाई डेल एक्स जीरो होगा, ठीक है। द डायमीटर ऑफ शाफ्ट इज 100 mm एंड द टेंजेंशियल स्पीड इज 10 m/s, द डायनेमिक विस्कोसिटी इज 0.1 kg/m², द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस फोर्स इन न्यूटन पर 100 mm लेंथ ऑफ बेरिंग विल बी, हमको ये जो रेजिस्टिंग फोर्स है यानी कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो हमको यहाँ पर फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमको एक चीज़ ध्यान देनी है, क्वेश्चन बहुत इजी है लेकिन एक एवरेज स्टूडेंट के लिए यहाँ पर गेट में एक ट्रिक खेला गया है, ठीक है, वो ये कि यहाँ पर जो विस्कोसिटी है हम उसके 2 यूनिट जनरली जानते हैं, या तो हम पॉइस जानते हैं या हम पास्कल सेकंड दैट इज न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर जानते हैं, ठीक है। उसने यहाँ पर यूनिट एक दूसरा दे दिया, यहाँ पर जो एक एवरेज स्टूडेंट है वो कंफ्यूज हो सकता है, तो कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर यूनिट डाला गया है, चलिए देखते हैं ये क्या है, ठीक है। हम जानते हैं जो ऐसा यूनिट है म्यू की दैट इज न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब न्यूटन हम लोग जानते हैं, न्यूटन एफ इज इक्वल टू एम ए, जब मैं लिखता हूँ यहीं से न्यूटन जो यूनिट है वो डिफाइन होता है, सो न्यूटन होता है आपका मास दैट इज के जी इंटू एक्सलेशन दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये होता है। तो यहाँ से न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर को मैं कैसे लिखूंगा, ये हो जाएगा के जी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड डिवाइडेड बाई मीटर, सेकेंड से सेकेंड स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है, और यहाँ पर मीटर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये आ गया के जी
पर मीटर सेकेंड, ठीक है। तो न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर जो होता है दैट इज इक्विवेलेंट टू केजी पर मीटर सेकेंड, दोनों सेम ही है, तो यहां पर हमको कोई वरी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो गिवन डेटा मेरे पास है यहां पर, डायनेमिक विस्कोसिटी म्यू इज इक्वल टू 0.1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, या इसको मैं बोल सकता हूं केजी पर मीटर सेकेंड, ठीक है, केजी पर मीटर सेकेंड। लेंथ ऑफ बेरिंग आपको गिवन है 100 mm, दैट इज 0.1 मीटर। डायमीटर ऑफ आपको शाफ्ट गिवन है दैट इज 100 mm और 0.1 मीटर, ठीक है। वेलोसिटी दैट इज टेंजेंशियल वेलोसिटी आपको गिवन है 10 m/s। अब देखते हैं जो इसका अरेंजमेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने मॉड्यूल 1 में भी कवर किया हुआ है, ठीक है। सो बेरिंग जो है दैट इज फिक्स, और जो शाफ्ट होता है वो इसके साथ इसके सेंटर में मूव करता है, ठीक है। सो ये शाफ्ट है और इनके बीच जो गैप है, ठीक है, उस गैप में यहाँ पर ल्यूब्रिकेंट भरा हुआ है, उस ल्यूब्रिकेंट की जो विस्कोसिटी है वो हमको क्वेश्चन में गिवन है, इसकी जो विस्कोसिटी है दैट इज म्यू इज गिवन 0.1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। शाफ्ट जो है वो मूव कर रहा है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है, देखिए एक सर्कुलर एक रोटेशन मोशन दे रहा है, तो जिस पॉइंट पे कॉन्टैक्ट हो रहा है ल्यूब्रिकेंट का उस पॉइंट पर टेंजेंशियल वेलोसिटी दैट इज वी इज इक्वल टू 10 m/s, ओके 10 m/s जो है वो वेलोसिटी वहां पर हमको गिवन है। सो यहां पर देख सकते हैं हम साफ साफ कि एक सरफेस फिक्स दूसरा सरफेस मूविंग, तो बेसिकली ये हो गया एक कॉटी फ्लो, ठीक है, और यहां पर प्लेन कॉटी फ्लो बोला है, ठीक। तो प्लेन कॉटी फ्लो के लिए हम जानते हैं कि जो शेयर स्ट्रेस होगा दैट विल बी म्यू इंटू V by T, ठीक है। शेयर स्ट्रेस लिख सकता हूं यहां से tau is equal to mu into V by T. T क्या होता है, T is the gap, तो gap दिया है आपको 2 mm, ठीक है। तो यहां पर जो gap है that is T is equal to 2 mm, और लिख सकता हूं T is equal to 2 × 10⁻³ meters, ठीक है। तो यहां से मैं अब शेयर स्ट्रेस निकाल सकता हूं। देखिए मुझे बेसिकली पूछा है कि फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस क्या होता है, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस That is the viscous force, okay? A viscous force आता है shear stress से, ठीक है, shear stress से आपका viscous force आता है। तो मैं जानता हूँ अगर मैं shear stress निकाल लूँ into the surface area कर दूँ तो मुझे वो force मिल जाएगा। तो सबसे पहले इसलिए मैं shear stress निकालूंगा, ठीक है। So shear stress tau will equal to mu that is 0.1 into v velocity that is 10 upon T that is 2 × 10⁻³। कैलकुलेट करता हूँ, tau की वैल्यू आती है, स्ट्रेस आ रहा है tau is equal to 500 N/m² और पास्कल्स, ठीक है। अब हम निकाल सकते हैं फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस दैट इज नथिंग बट द विस्कस फोर्स F equal to tau into सरफेस एरिया, सरफेस एरिया हो जाएगा यहाँ पर पाई डी एल, ठीक है, 500 × πdL। सो यहाँ से इसकी वैल्यू आ रही है 500 × π × d दैट इज 0.1 इंटू लेंथ दैट इज 0.1। सो यहाँ से फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस आ रहा है आपका 15.707 N। सो दिस इज योर आंसर। सो आज हमने जो कॉटी फ्लो था, ठीक है, उसका न्यूमेरिकल देखा, जो हमने हाइगन पॉइसन लॉ पढ़ा था उस पे बेस हमने कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स और देखे और गेट पे बेस कुछ क्वेश्चंस देखे। आई होप आपको आज के सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको आज के वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। अगर आप हमारा ये चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और नीचे बने बेल आइकन को जरूर दबाइए। मेरे और गेट अकेडमी प्लस टीम की तरफ से आप सभी को थैंक यू।